बैक टू माई चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ये मॉर्निंग पेपर का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर है बिजनेस स्टडी का, इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि भाई इंग्लिश आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे बार बार कमेंट बॉक्स में ये ना बोलिए कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बताइए, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बताइए। मैं आपको जो है केवल बिजनेस, इको और अकाउंट्स ही पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश में मैं आपकी जो है कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी आती है। सैम्पल पेपर कर लीजिए आप, और एक पैसेज, नोट मेकिंग और पोस्टर और एप्लीकेशन, ये सब आते हैं, बहुत ईजली उसमें पास हो सकते हैं। तो इंग्लिश आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और रही बात अकाउंट्स की, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इंग्लिश का पेपर दे के आइए। उसके बाद हम अपने ज़बरदस्त जो है 5 दिन लग के जो है अकाउंट्स की प्रिपरेशन करेंगे। अकाउंट्स का आपका सब कुछ मिलेगा, सैम्पल पेपर, वन शॉट, जो आप बोलेंगे वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स का मैंने आपको बता दिया और इंग्लिश का बता दिया। अब हम बात करते हैं इस पेपर के रिगार्डिंग, के बच्चे कह रहे हैं कि भाई इसमें से जो है ज़्यादा अच्छा हमारा जो है पेपर नहीं गया, इसके आंसर के जरा हम रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो नहीं फंसे सैम्पल पेपर में से। सबसे पहले कह रहा है, उन व्यावसायिक क्रियाओं की पहचान करिए जो राष्ट्रीय सीमा को पार करती हुई दिखाई देती है या पार की जाती है। सैम्पल पेपर के अंदर जो हमने किया था उसमें भी पहला क्वेश्चन यही था, इंटरनेशनल बिजनेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको जो डेफिनेशन बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुना था, मैंने बोला दो देशों के बीच में जो बिज़नेस किया जाता है वो इंटरनेशनल बिज़नेस होता है, या दो एक जो बिज़नेस जितनी भी व्यावसायिक बिज़नेस क्रियाएँ करता है जो दो देशों को पार, एक देश की सीमा को पार कर जाती है। और फिर मैंने वहाँ पे आपको क्रियाएं भी बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं का, पूंजी का, सेवाओं का, उत्पादन के साधनों का, ठीक है, इन सब का जब आदान प्रदान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है ये सारी बिजनेस एक्टिविटी वो हैं जो राष्ट्रीय सीमा को पार करती हुई दिखाई देती हैं, या ये जब दो देशों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, ठीक है, उत्पादन के साधनों का आदान प्रदान होता है, तो वो सारी क्रियाएं यहाँ पे लिख देते। यहाँ पे आपको क्रियाएं बतानी थी, पहला ही क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर के अंदर का। वहाँ पे बस उसने इंटरनेशनल बिजनेस पूछा था और वहाँ पे उसने क्रियाएं भी लिख रखी थी और मैंने भी आपको बताई थी, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, ये सब आप लिख देते, ख़त्म बात। ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। व्यावसायिक वित्त की धारणा को समझाइए, ठीक है। पेपर के अंदर अल्पकालीन वित्त था और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे केवल वित्त आ गया। तो केवल बिजनेस फाइनेंस समझाना था, अब उसमें आप दोनों ही समझा देते कि भाई अल्पकालीन का मतलब क्या होता है और दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है। पहले आप समझा देते व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है, और ये दो तरीके का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है वो अल्पकालीन होता है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होता है वो दीर्घकालीन वित्त होता है। और व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या है, व्यावसायिक वित्त का मतलब है कि भैया एक बिजनेस के अंदर अगर हम बिजनेस में से वित्त को माइनस कर दें तो कुछ नहीं बचेगा, फेलियर बचेगा, ख़त्म बात। वित्त के बिना बिजनेस के अंदर जितनी भी क्रियाएं जो वित्त से की जाती हैं वो व्यावसायिक वित्त कहलाती हैं, ख़त्म बात। ये आप लिख देते हैं यहाँ पे। फिर तीसरा मैंने बोला ही था, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है क्या होती है इसको पढ़ के जाइएगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं, ये तो मैंने बोला ही था, स्टार्टअप इंडिया स्कीम मैंने आपको बोल रखा था, और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही मैंने वहीं पर क्या बोला था कि अगर किस्मत ख़राब हुई तो यही आएंगे, और दोनों ही आ गए, स्टार्टअप इंडिया भी आ गया और एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट के फीचर्स भी आ गए। तो अगर आप नहीं पढ़ के गए तो भाई ये आपका जो है दिक्कत है। मैंने आपको उसको बोला था इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा रफली कि ये क्या होता है, इस प्लान के अंदर कितना सरकार आपको जो है फंड अवेलेबल कराती है, अगर आपने मेरी वन शॉट की वीडियो को देखा है तो। फिर कह रहा है, किस व्यापार का उद्देश्य एक राष्ट्र के भीतर तेज़ी से उचित लागत पर वस्तुओं का समान वितरण जो है किया जाता है। तो एक राष्ट्र के भीतर सिंपल सी बात है, विद इन अ नेशन कह रहा है, तो आंतरिक व्यापार क्या होता है वो यहाँ पे जो है आप समझा देते कि भाई इसको आंतरिक व्यापार की यहाँ पे जो है बात चलती है, आंतरिक व्यापार क्या होता है ये यहाँ पे आपको समझाना था, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि थोक विक्रेता द्वारा प्रदान की गई बाजार की जानकारी से निर्माताओं को क्या क्या लाभ मिलते हैं। अब बेटा अगर आप ये समझ रहे हैं कि सीधा ही आपको मिल जाएगा तो ऐसा तो नहीं है ना। कल आपको मैंने क्या बताया था कि थोक व्यापारी उत्पादक को उत्पादकों को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको और फुटकर को दोनों को सेवाएं देता है। तो उसमें से हमने एक सेवा पढ़ी थी कि थोक व्यापारी जो है पहले फुटकर से जो इन्फॉर्मेशन लेता है
या कस्टमर ये डिमांड कर रहा है, फिर वो आगे मैन्युफैक्चरर को पास आउट करता है। तो ये उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि इससे प्रोड्यूसर जो माल को बना रहा है उससे इसको क्या फ़ायदा होगा। आप खुद सोचिए, अब उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं को बनाएगा कि जो मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है, जो कस्टमर चाहता है, वो फालतू की वस्तुएं नहीं बनाएगा। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके पास, उत्पादक के पास जो पैसे हैं उनका सही तरीके से जो है यूटिलाइजेशन हो पाएगा, फालतू चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं करेगा जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी कि भाई जब थोक व्यापारी को फुटकर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उपभोक्ता इस चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो फिर थोक व्यापारी जो है उत्पादक को बताता है कि भाई ये डिमांड चल रही है, ये प्रोडक्ट बनाइए आप। तो उत्पादक उसी प्रोडक्ट को बनाता है, फालतू चीज़ें बनाता ही नहीं है। और एक उदाहरण के सहायता से आप लिख देते। उसके बाद कह रहा है कि क्राउड फंडिंग और एंजल इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या होती है, ये आपने नहीं करा होगा, लेकिन अगर आपने बेटा ये नहीं करा तो इसके और वाला तो क्वेश्चन आप कर ही सकते थे। ये तो मैं बोला ही था कि ये तो फिक्स से आएगा ही आएगा, लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि क्राउड फंडिंग और एंजल फंडिंग जो है ये क्या होती है। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि जब फंड, क्राउड सिंपल सी बात है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, जब फंड बहुत सारे लोगों से अराइज किया जाता है तो वो क्राउड फंडिंग कहलाता है, और जब फंड बहुत सारे लोगों से अराइज ना होकर एंजल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर बंदा किसी बिजनेस को पीछे से ये कह सकते हो सपोर्ट कर रहा होता है एक, वो क्या कहलाता है, वो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। उसके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। बल्क में पीछे से उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहा होता है वो बंदा, वो एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्राउड के अंदर जब बहुत सारे लोगों से पैसा लिया जाता है, एंजल के अंदर कोई एक बंदा किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रहा होता है, बैक से सपोर्ट कर रहा होता है फंड का, वो एंजल इन्वेस्टमेंट है, और जो बंदा कर रहा है वो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। अगर आपको ये नहीं आता था, आप ये बहुत ही आराम से कर सकते थे। इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन था ये कि इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आपको लिखना है कि इसके सपोर्ट में आंसर दीजिए, तो यहाँ पे देखो हिंदी में पढ़ लीजिए। कह रहा है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, हैंस जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे अदर प्रॉपर्टी होती है जिसको हम किराए पे दे सकते हैं, बेच सकते हैं, तो इसी तरीके से इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको हम किराए पे दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कह रहा है क्या ये बात ठीक है या गलत है, तो आपको बताना था, तो आपको लिखते हाँ मैं इस कथन से जो है सहमत हूँ, हम इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है किराए पे दे सकते हैं, बेचना चाहें बेच सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक बारी ह्यूमन के माइंड ने जो भी क्रिएशन करी है, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका यूज़ ना करे, तो मैं उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब करा लेता हूँ। अब बिना मेरी परमिशन के वो उसका यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो उसका यूज़ करना चाहता है तो भैया उसको बदले में पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और मैं परमिशन कब दूंगा, जब बदले में वो मुझे कुछ पैसे देगा, कमीशन देगा, ठीक है, जिसको रॉयल्टी वगैरह भी कहते हैं, तब वो इस चीज़ का यूज़ कर सकता है, और मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर सकता हूँ। तो इसको आपको सहमत करना था कथन से। इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता, और ये वहाँ पे भी था सैम्पल पेपर में, यहाँ पे भी था, ठीक है। अब कह रहा है कि खुदरा विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं बताइए, ठीक है। क्या कहते हैं, रिटेलर जो है कस्टमर को कौन कौन सी सर्विस देता है, मतलब फुटकर व्यापारी जो है, फुटकर व्यापारी को ही कहते हैं, ठीक है, खुदरा वाला रिटेलर जो है कौन कौन सी सर्विस देता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कल ही मैंने आपको समझाया था, अगर आपने मेरी वन शॉट की वीडियो देखी है ये तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो। अच्छा, ABC लिमिटेड अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है और उसको पैसों की ज़रूरत है, उनके पास संचित कोषों की कमी है, मतलब रिटेन अर्निंग उनके पास नहीं है। वित्त प्रबंधक ने बताया कि कंपनी ब्याज देने के अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, ब्याज देने के अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, और समता अंशधारियों ने अधिक अंश जारी नहीं करने पर जोर दिया क्योंकि बाजार में जारी अंशों पर नियंत्रण खोने का जोखिम है। उपरोक्त मामले में उपयुक्त स्वामित्व कोष के स्रोत का सुझाव दें और उनकी दो विशेषताएं बताइए। वो ये कह रहा है, देखिए, ABC लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड दे नीड मनी एज द लैक ऑफ नेसेसरी रिजर्व। द फाइनेंस मैनेजर रिपोर्ट दैट द कंपनी इज नॉट अ पोजिशन टू बियर एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट एंड इक्विटी शेयर होल्डर इंसिस्ट नॉट टू इशू मोर शेयर फॉर। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, इक्विटी वाले भी मना कर रहे हैं,
कि भाई इक्विटी शेयर को इशू ना करो, क्योंकि इक्विटी शेयर का सारा कंट्रोल होता है। अगर इक्विटी शेयर कंट्रोल इशू करोगे तो कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथों में बढ़ जाएगा। और कंपनी इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो डिबेंचर पे जो है इंटरेस्ट दे सके। ना तो डिबेंचर इशू हो सकता, ना इक्विटी हो सकता, और कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है। तो भाई ऑप्शन क्या बचा अभी? तो भाई ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, और क्या होगा। प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे और उसकी दो विशेषताएं लिख लेते। कह रहा है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन टू फीचर ऑफ द सोर्स ऑफ द ओनर फंड सुटेबल इन द अबव केस। यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपको लिखना था। तो अगर आप इस केस स्टडी को पहचान पाते तो भैया मैं आपको पहले इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग के बारे में बताया था, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस के रिगार्डिंग लिखना था क्या होते हैं और उसके दो फीचर। पहले आपको बताया था, ये पढ़ के जाइएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, डेवलपमेंट, मीनिंग, फीचर और इसके महत्व। तो अगर आप सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा 5 नंबर का सीधा सीधा, तो देख लीजिए स्टार्टअप भी और एंटरप्रेन्योर। अगर आप मुझे तब बोलो कि अगर मैंने नहीं बोला था, अगर आपने मेरी वन शॉट की वीडियो देखी है तो दोनों ही टॉपिक मैंने आपको बताए थे और दोनों ही आ गए। मैंने बोला था ना किस्मत खराब होगी तो यही आ जाएंगे, और वही आ गए आपके साथ। अच्छा अब देखिए, मनचंदा लिमिटेड फुटवेयर कंपनी की देश की अलग अलग जगहों पर 200 दुकानें हैं। इस कंपनी के व्यवसाय की विशेषता यह है कि इसके सभी दुकानों पर उपलब्ध सामान एक ही प्रकार का होता है, कीमतें भी समान हैं। और मनचंदा लिमिटेड द्वारा किए गए रिटेल व्यापार के प्रकार की पहचान करें, साथ ही पहचाने गए व्यापार के। ठीक है, ये तो बहुसंख्यक दुकानें हैं, ये तो सही हो गया। इस लड़की का आ गया चैन स्टोर के ऊपर 5 नंबर का। क्या होते हैं इसके फीचर, बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं। और वाले अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है खरबंदा लिमिटेड विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पाद जैसे प्रसाधन, किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक आदि का व्यवसाय करता है। कार्यस्थल को कई विभागों में विभाजित किया गया है। ले लो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। और प्रत्येक विभाग एक विशेष वस्तु बेचता है, तो डिपार्टमेंटल के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन है। इस तरह ग्राहकों की सभी ज़रूरतें एक ही छत के नीचे पूरी हो जाती हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है बेटा, और क्या करोगे यहाँ पे बताओ। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर्स क्या होते हैं, फिक्स क्वेश्चन है बेटा। 5 नंबर आपको देके जा रहा है। चेन स्टोर भी आया हुआ है, डिपार्टमेंटल भी आया हुआ है। और बताओ, आप कह रहे हो पेपर अच्छा नहीं गया। रुचिका लिमिटेड भारत की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है, हमने बेटा दोनों ही क्वेश्चन किए थे सैंपल पेपर के अंदर। सैंपल पेपर के अंदर भी इन दोनों की केस स्टडी थी और यहाँ पे भी केस स्टडी यही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वही केस स्टडी उठ के आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा कि आप चाह रहे हो कि वही डिट्टो जैसा सैंपल पेपर में था वर्ड टू वर्ड वही आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप कह रहे हैं रुचिका लिमिटेड भारत की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी अपनी ज़रूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से अपने विकास और विस्तार के लिए भारी मात्रा में संसाधनों का दोहन करना चाहती है। रुचिका लिमिटेड के वित्त प्रबंधक के रूप में ADR और GDR के बीच तुलनात्मक अंतर विश्लेषण बताइए। मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था कि ADR, GDR और IDR। अगर मैंने नहीं बताया तो आप बताइए। ADR, GDR, IDR फिक्स बताए थे, अमेरिकन ग्लोबल क्या होते हैं इसमें आपको बताना था। दोनों को बता देते अच्छे से, दोनों में डिफरेंस बता देते कि ADR का मतलब अमेरिकन का होता है, GDR का मतलब ग्लोबली होता है। ADR, GDR दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, कैसे प्रोसीजर चलता है दोनों का ये बता देते। फिर कह रहा है कि किसका है भाई ये बी पार्ट, आई थिंक यहाँ पे कोई पेज मिसिंग है। शुड द रॉ मटेरियल सप्लाई, देखता हूँ बेटा इसका शायद पेज गायब है भाई। कोई फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय से बहुत सारे लाभ होते हैं, बताओ। सीधा सीधा क्वेश्चन बताया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ आएंगे, सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखने थे 5। अगर आप वो भी नहीं लिख पा रहे तो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है संप्रेषण, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखने थे। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के अंदर भी था, यहाँ पे भी है। और क्या लोगे यार बताओ, इतना आसान इतना ईजी पेपर आया था, आप जो बताओ। अगर आपने मेरी वन शॉट वीडियो भी देखी है ना, सैंपल पेपर भी छोड़ो, वन शॉट वीडियो भी अगर आपने मेरी देखी थी तब भी आप इस पेपर के अंदर बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते थे। ये सैंपल पेपर का है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन ADR, GDR वन शॉट का है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन सैंपल पेपर का भी है, वन शॉट का भी है, बताया था। 9वां क्वेश्चन वन शॉट का है, मैंने बोला था भाई पढ़ के जाना, आप नहीं पढ़ के गए आपकी गलती है, ठीक है। क्या कहते हैं ये 8वां क्वेश्चन
प्रेफरेंस शेयर सैम्पल पेपर में भी था, वन शॉट में भी बताया था। आप अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो वो गलती आपकी। ये सैम्पल पेपर वन शॉट वहीं का ही है, ये इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी सैम्पल पेपर वन शॉट का भी है, ठीक है, ये कहीं का नहीं है, ये वन शॉट का है, ये वन शॉट का है, ये वन शॉट का है, ये सैम्पल पेपर वन शॉट, ये सैम्पल पेपर वन शॉट। तो बेटा ऐसा आप अगर सोच रहे हो डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा ना। आपको अगर बता दिया सारा, जिस बच्चे ने वन शॉट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो वो इसको बहुत ही ईजिली कर सकता था, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं था इस पेपर के अंदर जो आप कह रहे कि हमारा अच्छा नहीं गया, जिनने पढ़ा है। अगर आपने मेरी बात मानी होती स्टार्टअप, ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया और ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अगर ये सब पढ़ा होता तो आप बहुत ईजिली कर सकते थे। फिलहाल अभी आप जो है जो भी आपका इंग्लिश वगैरह का जो भी है उसको करिए, फिर अकाउंट्स के हम रिगार्डिंग बात करते हैं। और प्लीज़ मैं इंग्लिश का आपको नहीं बता सकता, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।